Good morning, class 6, history, first chapter, introducing history, परिचय, किस तरीके से, पहला चैप्टर, जिसमें इस समय हिस्ट्री को किस तरीके से अध्ययन किया जाए, जिसमें टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री को कैसे टाइम फ्रेम किया गया है और हिस्ट्री दो तरीके से टाइम फ्रेम को डिनोट किया जाए, बीसी एंड एडी। बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म से पहले। बीसी मीन्स जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले। एंड एडी इट डिनोट एनो डोमिनी, एनो डोमिनी मीन्स इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। It refers to the period after the birth of Jesus Christ. अर्थात उस वर्ष जिस वर्ष में लॉर्ड जीसस का जन्म हुआ, क्रिश्चियन मानवों के अकॉर्डिंग फर्स्ट एडी ईसा मसीह का जन्म हुआ। उसके बाद को एडी में डिनोट किया जाता है और उसके जन्म से पहले कि जो भी इतिहास में घटना हुई उसे बीसी में डिनोट किया जाता है। क्योंकि भारत में इतिहास लेखन का की जो शुरुआत हुई उसमें इंडिया ब्रिटिश अंग्रेजों का शासन था और ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री में उस माइथोलॉजी उस टर्म को प्रयोग किया और चूंकि इतिहास में जो इतिहास का सबसे लंबा काल है जिसमें बहुत से इवेंट्स घटनाएं जो अनरिलेटेड जिनका कोई लिखित प्रमाण है जिसमें इतिहास का एक लंबा सा स्टोन एज की रूप में अर्ली ह्यूमंस जो हमारे प्रिंट में आदि मानव धरती पर आया और उसके लिखने के समय एक लंबा समय हिस्ट्री जो है वो अनरिटन रिकॉर्ड के रूप में है। इसमें या तो कुछ लिखा भी नहीं है और यदि कुछ लिखा भी गया तो उसे अभी पढ़ा नहीं है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हिस्ट्री वो अभी तक रिटन नहीं है। इसलिए जो इतिहास का एक लंबा समय वो बीसी के रूप में ही डिनोट होता है और वंस मोर रिपीट वंस मोर बीसी एंड एडी। बीसी मींस बिफोर ईसा मसीह के जन्म से पहले अर्थात लॉर्ड जीसस के जन्म से पहले में हिस्ट्री में जो कुछ भी घटनाएं घटी जो कुछ भी लिखा गया उसे बीसी में डिनोट किया गया और एडी एनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड इट विल रिफर टू द पीरियड ऑफ after the birth of Jesus Christ। अर्थात जीसस के जन्म की
फर्स्ट एटी टिल 2020 फर्स्ट एटी से अभी इसे एडिटेड लोग किया है और इससे पहले जो भी हिस्ट्री में घटना है वो उनकी कालकरण बीसी के रूप में की गई है इतिहास कर चुकी मानव सभ्यता जो इतिहास वो बहुत लंबा है इस इतिहास से जब अरेबियन संस्कृति आया जैसे कुछ भी नहीं पता था कुछ भी ज्ञान नहीं यहाँ पर तो उसे आगे रहने सुने इन सब की कुछ भी जानकारी नहीं और इस पीरियड स्टोन एज के रूप में क्यों सबसे ज्यादा अभी मैं जिसका प्रयोग किया वो था स्टोन वो स्टोन के बनाए हुए टूल्स एमचर के सहारे ही अपने जीवन को आगे और उसे और या रेल सीजन बचाव के वो केव की गुफाओं में और मान लीजिए इंडिया और साथ साथ फूड एंड सेंटर को अपने भोजन और सेंटर के लिए घर ढूंढता कोई भी इस तरह का रेटेड रिकॉर्ड है इतिहास का एक बहुत लंबा समय वो है जिसको हम बीसी के रूप में अध्ययन करते हैं सपोज यदि हस्ती सो प्रारंभ से लेकर अब तक के उस समय को यदि इस लंबे इस लाइन से डिनोट करें जिसमें यदि स्टार्ट तो इन अब तक के इतिहास को देखें इसमें से लगभग कितना लंबा है टाइम पीरियड ये जो है वो ऐसे समय में बीता है जब लोग न तो लिखना और नहीं पढ़ना और जो लेखन राइटिंग के जो सोर्स हैं जो हमें मिलते हैं वो लगभग इससे यही पीरियड इतना ही मान ये हिस्ट्री का यही पीरियड है जिसमें मैं ये नहीं कर रहा हूँ इतिहास एक लंबा सा ऐसे ही समय बीता है जिसको केवल एविडेंस के आधार पर इतिहास का रूप उस युग के इतिहास को लिखने का प्रयास और इसको टाइम फ्रेम इस टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री को इसे रखने का प्रयास किया गया अब चूंकि इतने लंबे पीरियड इतिहास का अध्ययन जो कि इस चैप्टर में जब हम अर्ली एंड से स्टार्ट करते हैं लगभग एंशिएंट पीरियड के हिस्ट्री करना जो लगभग इंडिया 8th सेंचुरी तक रहा इसमें इंडिया के अलग इतिहास में समय लगातार चलने वाले सतत प्रक्रिया नाम है जिसे डिवाइड कहते हैं लेकिन इतिहास अध्ययन के दृष्टिकोण से इसे एंशिएंट मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में इसे डिवाइड किया है जिसमें इस समय एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हमें जानना और
17 में जिस पीरियड में रहा वह पीरियड स्टोरेज जिसे हम आहार काल के पर नाम से भी जानते हैं और इस पूरे पीरियड इस पूरे समय के इतिहास जो है केवल इविडेंस के आधार पर ही लिखा गया से पढ़ा क्योंकि इस समय उसे लिखने पढ़ने की हो गया था। इस समय अभी मैंने जो भी कुछ यूज किया उसे एविडेंस के रूप में जो आज उपलब्ध है स्टोन के ही जो टोल्स का है एवल्यूशन का है स्टोन केव में ही कहा उन केव के द्वारों पर जो पेंटिंग किया इस केव के दीवारों पर कुछ जो खुदाई करके अपनी बात को बताने का प्रयास किया इनके आधार पर इतिहासकारों ने उनके पूरे जीवन को समझने का प्रयास किया। इसके बाद इसमें जो सिविलाइजेशन सभ्यताओं का प्रभाव आया एक टाइम के बाद जो स्टेट थ्री पीरियड में डिवाइड हुआ ओल्ड स्टोरेज मेडल स्टोरेज एंड न्यू स्टोरेज इसके लंबे समय के इतिहास में समय के बीच बीच के बाद जब सिविलाइजेशन समय आया जिससे व्यक्ति रूलर क्षेत्र से बाहर आकर उसने अर्बन एरिया यानी गांव से शहर को डेवलप करना शुरू किया लेकिन फिर इस समय उनके जो रेडियो रिकॉर्ड रहे हैं वो पर्याप्त मात्रा में जीवित पाए हैं तो यहाँ भी एविडेंस के आधार पर भी इस समय के इतिहास को लिख और उसी के आधार पर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं और सभ्यताओं के शुरुआत के साथ साथ जब आप भी लिखना और पढ़ना शुरू सीखा और सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव के द्वारा भी बहुत सारे ऐसे उपलब्धि हुई जिससे तेजी से नगरोत्पाद का हुआ नगरीकरण शुरू हुआ इन नगरों में प्रशासन व्यवस्था भी फिर केंद्रित राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत और जहाँ हमें छोटे छोटे शासकों के अधिकार कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों पर उन्होंने अपने राजनीतिक वर्चस्व को स्थापित किया और इन राज्यों पर अधिकार करते हुए आगे चलते महान साम्राज्यों के उदय के और भारत के इस काल के इतिहास में कुछ ऐसे प्रारंभिक इतिहास दौर आए जिसमें महान साम्राज्यों का इसके बाद फिर राजनीतिक अर्थव्यवस्थाएँ ये राज्य छोटे राज्यों में लिख दी और इस लंबे समय के इतिहास में कई स्रोतों के आधार पर अध्ययन किया जाए। थैंक यू सर।